दोनों ठीक है, तो इंशाल्लाह बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं पोटैटो बंस। आज का छिलका रिमूव किया, फिर मैंने थोड़े से पानी में इसको अच्छे से वॉश करके बॉईल किया, क्योंकि मुझे उसका ये पानी भी चाहिए था, ताकि इसमें जो स्टार्च इसका रिलीज हुआ ये भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके जो पोटैटो जब गल गए मैंने उसको निकाला। हाँ। निकाल के मैंने फोक की मदद से इसको ये मैश कर लिया, और वो जो पानी हमारा था उसमें से मैंने 50 ग्राम ले लिया, बाकी का डिस्कार्ड कर दिया। ओके ठीक है, इस तरह से किया हुआ है हमने। और यहाँ पे मिल्क एज यूजुअल ज़्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि हमारा ओवन माशाल्लाह बड़ा अच्छा है इस मामले में। मैं इसको बड़े बोल में, आपने छिलकों को बॉईल नहीं किया है? अब नहीं, छिलका नहीं मैंने डाला, छिलका नहीं जी, छिलका मैंने रिमूव कर दिया। पोटैटोज लिए और 150 ग्राम उसको छीला, छीलने के बाद बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको निकाल के कांटे से मैश किया और उसका 50 ग्राम पानी सेव कर दिया। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मिल्क को हम जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आते हैं, क्योंकि अवन ये में हम दूध है जी 150 ग्राम। बिल्कुल, इसको आपने गर्म किया है, हल्का सा करना था जो कि ज्यादा हो गया। ठीक है, बस ये ईस्ट ऐड करने के लिए जी। बिल्कुल हाँ जी, आप बिल्कुल हल्का सा गर्म। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, मैं यहाँ पे बता दूँ कुछ भी ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट, हर चीज़ डम्प करनी है हमने। मैदा है हमारे पास 600 ग्राम के करीब, के बीटर यूज करेंगे? नहीं आपा, हम डो हुक का इस्तेमाल करेंगे जी। ठीक है, और मिल इसमें जो है ईस्ट और शुगर मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, और जो पोटैटोस हैं ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये आपने कितने लिए हैं आलू? अपा 150 ग्राम। ये अभी इस वक्त 150 ग्राम, ये भी 150 ग्राम है जी। बिल्कुल, ये छीलने के बाद और फिर हमने इसको वज़न किया था और फिर बॉईल किया था। ठीक है, वज़न किया था फिर बॉईल किया था, पहले छील लिया फिर उसको वज़न कर लिया 150 ग्राम, फिर बॉईल कर लिया जी। ओके, पहले आलू को वज़न किया फिर बॉईल किया। बिल्कुल, और बॉईल करके मैश करके वज़न नहीं किया है? नहीं 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 जी, पहले वज़न कर लिया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो मिल्क है इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, कैस्टर शुगर, और हल्का सा ल्यूकवॉर्म हो जाए। इसी में जो है शुगर जब डिसॉल्व हो जाएगा ईस्ट ऐड करेंगे। आपने पहले शुगर डाल दी है? डाल दी। और शुगर है आपकी इसमें जी 50 ग्राम। अच्छा, इसमें आप मैंने लिखा हुआ है कि इसको आपने कम से कम 15 मिनट छोड़ना है। okay. वो मैं जानबूझ कर, आपको पता है मैं थोड़ा एक्टिवेट पहले ईस्ट हो जाए फिर कोशिश करती हूँ कि ऐड करूँ, भले वो इंस्टेंट है लेकिन कुछ रेसिपीज़ में मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो आप इसको जो है 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिएगा, फिर जब तक बाकी के आप अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ के इसको 15 मिनट हो गए हैं। ठीक है, हम इसी में जो है एक अदद अंडा शामिल करेंगे, 15 मिनट जब गुजर जाएंगे तब, लेकिन मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, एक अदद अंडा शामिल कर दिए। अच्छा, एक बात सुनो सायमा, आपने चीनी डाली, ईस्ट डाला जी, ईस्ट डाल के छोड़ना है या अंडा डाल के? अब ईस्ट डाल के, ईस्ट डाल के 15 मिनट समझे छोड़ दिया, फिर जब 15 मिनट गुजर गए उसी में अंडा हल्का सा मिक्स कर लिया जी। कौन? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, फरमाइए जी। शहीना बात कर रही हूँ लाहौर से जी। शहीना बात कर रही हूँ मैंने लाहौर से जी। बोलिए, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आज शहीना से मैंने कहा कॉल ला की, हर दफा कोशिश करती हूँ जी जी, बात करें बात करें बात करें जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, मैं तो उस पर से इंतजार में सारे काम खत्म करके बैठ जाती हूँ। आएगा शो तो मुझे आपसे एक फरमाइश भी करनी थी, मैंने आपा से भी बताया था लेकिन पता नहीं उन्होंने अब तक कन्वे किया कि नहीं। मैं वो गोरमे के बिस्किट जो होते हैं आलमंड, ठीक है, वो वाले मैंने कहा था आपा से कि वो प्लीज सायमा से कहिएगा वो बना दे। बेकरी बिस्किट्स हैं उनके? नहीं, गोरमे के, गोरमे के लंबे वाले आलमंड। ये तो आप, जब मैं लाहौर कभी जाऊंगी मैं टेस्ट करूंगी फिर ही इंशाल्लाह मैं आपको बता सकती हूँ। फारूक मुझे भिजवाएं थोड़े से बिस्किट। चले ठीक है, ओके। वो मैंने बनाए हैं वैसे, सर अर्शद ने एक रेसिपी दी हुई है लेकिन वो मेरे से ना फैल जाते हैं।
अच्छा सही, हाँ जी वो सही, उसकी शेप नहीं आती। सर मैंने आज तक कैरमल के कुकीज खा के नहीं बनाए, तो अब लाहौर वाले खाएंगी। अब मैं खा लूंगी। हाँ जी, और मैंने पफ पेस्ट्री केक। बिल्कुल हाँ जी आपा, बिल्कुल हल्का सा गर्म। ठीक है ठीक है। अच्छा इसमें जो है, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, मैं यहाँ पे बता दूँ कुछ भी ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट, हर चीज़ डम करनी है हमने। मैदा है हमारे पास 600 ग्राम के करीब, के बीटर यूज़ करेंगी? नहीं आपा, हम दो हुक का इस्तेमाल करेंगे जी। ठीक है, और मिल इसमें जो है ईस्ट और शुगर मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, और जो पोटैटोस हैं ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये आपने कितने लिए हैं आलू? अब 150 ग्राम। ये अभी इस वक्त 150 ग्राम, ये भी 150 ग्राम है जी। बिल्कुल, ये छीलने के बाद और फिर हमने इसको वज़न किया था और फिर बॉईल किया था। ठीक है, वज़न किया था फिर बॉईल किया था, पहले छील लिया फिर उसको वज़न कर लिया 150 ग्राम, फिर बॉईल कर लिया जी। पहले आलू को वजन किया फिर बॉईल किया। बिल्कुल, और बॉईल करके मैश करके वजन नहीं किया है? नहीं 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 जी, पहले वजन कर लिया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मिल्क है इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, कैस्टर शुगर और हल्का सा ल्यूकवॉर्म हो जाए। इसी में जो है शुगर जब डिसॉल्व हो जाएगा ईस्ट ऐड करेंगे। आपने पहले शुगर डाल दी है? डाल दी। और शुगर है आपकी इसमें जी 50 ग्राम। अच्छा इसमें आप, मैंने लिखा हुआ है कि इसको आपने कम से कम 15 मिनट छोड़ना है। okay. वो मैं जानबूझ कर, आपको पता है मैं थोड़ा एक्टिवेट पहले ईस्ट हो जाए फिर कोशिश करती हूँ कि ऐड करूँ, भले वो इंस्टेंट है लेकिन कुछ रेसिपीज़ में मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो आप इसको जो है 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिएगा, फिर जब तक बाकी के आप अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ के इसको 15 मिनट हो गए हैं। ठीक है, हम इसी में जो है एक अदद अंडा शामिल करेंगे, 15 मिनट जब गुजर जाएंगे तब, लेकिन मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, एक अदद अंडा शामिल कर दिए। अच्छा एक बात सुनो सायमा, आपने चीनी डाली, ईस्ट डाला जी, ईस्ट डाल के छोड़ना या अंडा डाल के? अब ईस्ट डाल के, ईस्ट डाल के 15 मिनट समझे छोड़ दिया, फिर जब 15 मिनट गुजर गए उसी में अंडा हल्का सा मिक्स कर लिया जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए जी। शाहीना बात कर रही हूँ लाहौर से जी। शाहीना बात कर रही हूँ मैंने लाहौर से जी। बोलिए क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आज शाहीना से मैंने कहा कॉल ला की, हर दफा कोशिश करती हूँ जी जी। बात करें, बात करें, बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, मैं तो उस पर से इंतजार में सारे काम खत्म करके बैठ जाती हूँ। आएगा शो तो मुझे आपसे एक समाज भी करनी थी, मैंने आपा से भी बताया था लेकिन पता नहीं उन्होंने अब तक कन्वे किया कि नहीं। मैं वो गोरमे के बिस्कुट जो होते हैं आलमंड, ठीक है वो वाले मैंने कहा था आपा से कि वो प्लीज सायमा से कहिएगा वो बना दे। बेकरी बिस्किट्स हैं उनके? नहीं, गोरमे के, गोरमे के लंबे वाले आलमंड। ये तो आप, जब मैं लाहौर कभी जाऊंगी मैं टेस्ट करूंगी फिर ही इंशाल्लाह मैं आपको बता सकती हूँ। फारूक मुझे भिजवाएं थोड़े से बिस्किट। चले ठीक है, ओके। वो मैंने बनाए हैं वैसे, सर अर्शद ने एक रेसिपी दी हुई है लेकिन वो मेरे से ना फैल जाते हैं। अच्छा सही, हाँ जी वो सही, उसकी शेप नहीं आती। मैंने आज तक कैरमल के कुकीज खा के नहीं बनाए, तो अब लाहौर वाले खाएंगी। अब मैं खा लूंगी। हाँ जी, और मैंने पफ पेस्ट्री केक फरमाइश की थी कि आप प्लीज वो बना दें। तो सही, कौन सा केक कहा आपने? बहुत दफा ट्राई कर चुकी है लेकिन पता नहीं क्यों सही उसके पफ नहीं निकलते, मतलब वो फूलती नहीं है मेरे से ना बिल्कुल भी। क्या चीज आपका? पफ पेस्ट्री जो? अच्छा पफ पेस्ट्री, ठीक है जरूर इंशाल्लाह। वैसे तो हमारे जितने भी सीनियर शेफ हैं उन्होंने कई मर्तबा सिखाया है लेकिन चले फिर भी एक मर्तबा। हाँ जी वो सिखा तो चुके हैं मैं, बल्कि मैंने यहाँ से जो आपका है ना ये मिल्की फूड पार्लर का इधर हमारे लाहौर में है ये भी सिखाते हैं, तो मैंने इनसे सीखने की कोशिश की है लेकिन पता नहीं मेरे से वो बनती नहीं। कोई बात नहीं इंशाल्लाह फिर सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपको देखना, आपका प्रोग्राम देखना। थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। अच्छा यहाँ पे आप, वो जो हमारा मिल्क का, शुगर, ईस्ट और अंडे का मिक्सचर रेडी है, दूसरी तरफ मैदा है,
पोटैटोज हैं, इसी में हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा मैं ब्रेड इम्प्रूवर ऐड कर रही हूँ। ब्रेड इम्प्रूवर इसलिए कि थोड़ा सा इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है ब्रेड की, ठीक है। और ये जो कितना डाला बेटा, क्वार्टर टीस्पून? अब क्वार्टर टीस्पून है। और इसी में जो है ये थोड़ा सा हमारा जो पोटैटो स्टार्च है, चाहे हम इसी में ऐड कर देंगे कोई इशू नहीं है, लिक्विड सब हम एक साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये सब हम इसमें डंप करेंगे, सब कुछ एक साथ जाएगा। सिर्फ बटर को मैंने रोका हुआ है, बटर ज़रा सा डो बन जाए फिर इंशाल्लाह मैं ऐड करूँगी। आपको रीज़न है, मैं हमेशा बताती हूँ कि बटर कंडीशन करता है डो को, बहुत अच्छा एक स्मूथ सप्पल टेक्सचर उसको देता है। तो ये रीज़न है कि थोड़ा सा मैं ठहर के फिर ऐड करती हूँ, हल्का सा इसका डो फॉर्म हो जाए फिर हम इसको ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने ये निकाल के इससे बटर ब्रश किया? अब बस मैंने क्या किया, मैंने इसलिए हाथ रोक लिया था कि जैसे ही ओवन से बाहर आएंगे आपने बटर इस तरह से लगा के और इसको अच्छे से बस इस तरह से ब्रश कर देना है, ठीक है। ऐसे ब्रश हम कर दिया और इसको जो है फिर आप छोड़ देंगे, अब ये सॉफ्ट हो जाएंगे जी। माशाल्लाह। अच्छा, आई लाइक बर्गर बंस विद सेसमी और समथिंग, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जैसे हम मैंने भी बताया कि एग वाइट आप जब ब्रश करेंगे तो आप सेसमी ऊपर ऐड कर दें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है डो का मैं समझा देती हूँ, ये देखें डो बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इस पर ग्लूटेन एक्टिवेशन वाला कोई सीन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि स्मूथ और वो बनेगा। और आलू आपको कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ये देखें इस तरह का ये डो है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, टैकी थोड़ा फील होगा, ठीक है टैकी है, लेकिन ना ये सॉफ्ट है ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है। इसको हम ग्रीस करके, ये सिर्फ समझाना आपको मकसद है क्योंकि अभी ये काम हो नहीं सकता, तेल उधर है। अच्छा बिल्कुल, चले मैं समझा ही देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और इसमें जो है इस तरह से डो को अच्छी तरह से ऑयलिंग करके आपने इसको क्लिंग रैप करना है और इसकी फर्स्ट प्रूफिंग करनी है डार्क एरिया में। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट प्रूफिंग हो जाएगी, ये यहाँ तक डबल इन साइज़ हो जाएगा। आप इसको निकालेंगे, पंच डाउन करेंगे, पंच डाउन करने के बाद आप इस तरह से इसके छोटे छोटे से पेड़ियाँ बनाएंगे, ठीक है। 100 ग्राम बिल्कुल, लेट से मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ तो शारिक कहते हैं कि मैं रोटियां बना रही हूँ, ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आपने इस तरह से इसको करके, अच्छा इसका एक और तरीका, इसको टाइट करना ज़रूरी है जब आप बर्गर बन पे काम कर रहे होते हैं, नीचे करके। तो आपने इसका जो है इस तरह से ऊपर रखेंगे, इससे क्या होता है कि डो में ये देखें टाइट, ये टाइट हो गया डो, ठीक है। ये टाइट करना ज़रूरी, सिंपल सा इसका मेथड है, आपने अपने इस हिस्से से हाथ के इसको इस तरह से करना है, देन इस तरह से मुझे प्लीज़ एक चेक कराएं। जी बिल्कुल, इधर से हाँ जी, आप इस तरह से बिल्कुल इस तरह बिल्कुल ऐसे, ठीक ठीक है। ये देखें ये टाइट हो गया है और ये नीचे से भी इस तरह से जो हो जाएगा, फिर आप इसको इस तरह से पिंच भी कर सकते हैं ताकि कहीं से खुले ना, ठीक है जबरदस्त। तो ये इस तरह से टाइट हो जाएगा और लेट से ये 100 ग्राम्स का है। ओ, और वाओ, खुद ही निकल भी गया जी। आप अब एक रिंग गर्म है, अच्छा ये देखें ये रिंग आपने इस तरह से रखा, इस रिंग के बीच में आपने इसको रखा और आपने इसकी प्रूफिंग होने के लिए छोड़ दिया। रिंग नहीं भी है कोई इशू नहीं, इतना टाइट है कि ये अच्छे से बन की शेप ले लेगा, ये बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा नहीं, लेकिन वो इसके साथ